कल हम बात कर रहे थे थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में, उसकी स्थापना कब हुई थी भाई, किसी को है याद? 1775 कौन सा 75? हाँ, 1875। कल हमने बात की थी कि स्थापना कैसे हुई और इसके उद्देश्य क्या थे, सिद्धांत क्या थे इसके, इसके बारे में कल हमने बात की थी। और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे इसमें कि 2 4 बात इसकी रह गई थी, उसके बारे में बात करेंगे आज। विशेषता, खासकर विशेषता के बारे में बात करेंगे आज कि क्या विशेषता थी इसमें। ये जो सोसाइटी थी, ये व्यक्तिगत मोक्ष या फिर निर्वाण के ऊपर बल न देकर के एक तरह से समाज सेवा की बात करती है। समाज सेवा में एक तरह से अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम, वैसे तो जो बात की जाती है एक तरह से थियोसोफिकल सोसाइटी की, अधिकतर जो हिंदू मान्यताएं थी वो इसने स्वीकार की। आगे चलकर हम बात करेंगे जब देखेंगे कि किस तरह से एनी बेसेंट भी हिंदू धर्म का मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से प्रचार कर रही है, उसकी जो अच्छाइयां हैं उसके बारे में बात कर रही हैं। इसका अगर हम कहें ना कि जिस तरह समाज सेवा की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से ये लोग जो संसार के ऊपर जो कर्म भार है उसको हल्का करके इसके साधक सदस्यों के जो जीवन है उसमें बदलाव लेकर आना चाहते हैं, जो चरम साधना है उसके बारे में बात करते हैं। विचार की स्वतंत्रता इसकी आधारशिला मानी जाती है। एक तरह से विश्व बंधुत्व, और जो हिंदू धर्म में जो बात रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम, उसके ऊपर इनके विचार। अभी हम बात कर रहे हैं, दोबारा इसको दोहराते हैं एक तरह से ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए ये चीज। ये जैसे जो ऊपर आपने अभी जो देखा सोसाइटी का जो विशेष चिन्ह अथवा मोहर थी, जो सील, वो परस्पर दो त्रिभुजों के द्वारा षटकोण ग्रह से बनता है। उनसे ऊपर वाला जो शीर्ष है जिसमें एक तरह से आपको दिखाई पड़ता है, ये जो ब्लैक, कम ब्लैक है यानी डार्क नहीं है, ये भौतिक जगत की बात करता है। जो डार्क है, सॉरी, आध्यात्मिक जगत की बात करता है। डार्क है वो भौतिक जगत की बात करता है यानी प्रतीक है एक तरह से। भारतवर्ष में इसे विष्णु की मुद्रा कहते हैं, पश्चिम में इसे सुलेमान की मोहर मुस्लिम, और ईसाई इसे डेविड की मुद्रा कहते हैं। इसके चारों ओर जो ये सर्प लिपटा हुआ है जो अपने पूंछ को ही खा रहा है, इसे जीवन की अमरता का प्रतीक मानते हैं। यह ज्ञान का सर्प है जो कभी नष्ट नहीं होता है। ऊपर छोटे से वृत्त में यानी ये जो वृत्त है इसके अंदर स्वास्तिक का चिन्ह है जो अनंत की ज्ञान का प्रतीक है। लंब, ये वाला जो लंब है ये मस्तिष्क का प्रतीक है। समांतर रेखाएं जिस पदार्थ का प्रतीक है, ये दोनों नए बिंदु पर मिले होते हैं। ये जो बने जो जीवन का प्रतीक है, जहां प्राणी अनुभव प्राप्त करता हुआ जीवन और जगत से शिक्षा प्राप्त करता है। क्रोश, हाँ, ये क्रोश का निशान था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो क्रोश है विकास का माध्यम है। इसका दूसरा नाम सूली, पर चढ़ना या फिर इंद्रियों को वश में करना है।
कहीं कहीं क्रॉस को स्वास्तिक के चिन्ह के भांति भी बना दिया जाता है, तब यह जीवन को गति देने वाला प्रतीक बन जाता है, गति का भी प्रतीक बन जाता है। सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात क्रॉस का स्वरूप हमें दिखाई होता है। इसका अर्थ है कि कर्म फल अपने हाथ में नहीं है और उसके हिसाब से स्वर्ग में है। इस प्रकार वह साधक को प्रेरणा देता है कि ज्ञान मातंड की ओर देखो और आगे बढ़ते जाओ। इस मुद्रा में क्रॉस इसी रूप में अंकित है। इसके ऊपर ओम और नीचे ये लिखे जो अंकित रहते हैं। इसका अर्थ है सत्य के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं। तो ये एक तरह से इसकी हम कह सकते हैं कि भाई जो इसका चिन्ह था उसके बारे में बात की गई। अब कई बार बात आती है एक जो हम छोटी सी बात और करते हैं एनी बेसेंट के बारे में, जिसने मैडम ब्लावस्की के बाद एनी बेसेंट ने इस संस्था को संभाला और वो कहते हैं कि जो संस्था है न्याय और प्यार इसके दो मूल्य हैं जो संपूर्ण विश्व को दिशा प्रदान करते हैं। इसकी शिक्षा मानव के अंदर छुपी हुई आध्यात्मिक प्रकृति को उद्घाटित करने करती है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रसार के लिए एनी बेसेंट ने भी काफी प्रयास किए। एनी बेसेंट कहते हैं कि जिस तरह से हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे हिंदू धर्म के बारे में, कि हिंदू धर्म के बिना भारत का कोई भविष्य नहीं है। हिंदू धर्म वह जमीन है जिस पर भारत की जड़ें जमी हुई हैं और इससे अलग होने पर भारत वैसा ही हो जाएगा जैसा किसी पेड़ को उसके स्थान पर काट दिया जाए। ये एक तरह से वो उस तरह की बात करती हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई हिंदू धर्म का जो उदार स्वरूप की बात करी जाती है, मगर उदार स्वरूप सिद्धांतों में तो मिलता है मगर व्यवहार में वैसा उदार स्वरूप हमें भारत में देखने को नहीं मिलता है। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये आती है जो थियोसोफिकल सोसाइटी थे वो समता या समानता के ऊपर बात करती है और हर व्यक्ति को अपने अधिकार हर व्यक्ति को ये अधिकार देती है कि वो किसी भी सिद्धांत के ऊपर अपनी एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि मतलब अपनी वो अगर असहमति है तो उसको वो व्यक्त कर सकते हैं, मगर हिंदू धर्म में वो व्यवस्था नहीं हमें देखने को मिलती। वहां पर असहमति की व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती और सबसे बड़ी जो समस्या हमें ये देखने मिलती है कि यहाँ पर एक तरह से हमें एक ग्रेडेड इनइक्वलिटी यानी कि एक सिस्टमेटिक ढंग से हमें असमानता मिलती है जो वर्णों के हिसाब से या फिर जाति के हिसाब से समाज को अलग-अलग वर्गों में या फिर जातियों में बांटती है। तो वहां की अगर बात की जाए तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एनी बेसेंट उस उदार आदर्श रूप की बात कर रही है जो भारत में खासकर 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में तो देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये जो इसी समय एनी बेसेंट भी हैं और इसी समय अंबेडकर का मूवमेंट भी शुरू होता है और खासकर जब हम अंबेडकर का जो खासकर जो महार सत्याग्रह है उसके बारे में बात करते हैं, तो महार सत्याग्रह में एक तरह से एक ऐसे तालाब से पानी लेने के लिए सत्याग्रह किया गया था जहां से जो श्रवण वर्ग था वहां पर अपने भैंसों को वो नहलाते थे। जैसे अपने गांव में जोड़ वगैरह होते तो वो पीने योग्य पानी तो होता नहीं है मगर वहां पे भैंस पानी पी सकती है, कुत्ता पानी पी सकता है मगर कोई अछूत पानी नहीं पी सकता था। और महाड़ का जो इलाका है जो आजकल महाराष्ट्र में है उस इलाके में पीने की बड़ी समस्या पानी की बड़ी समस्या थी खासकर दलित वर्ग के लिए अछूत वर्ग के लिए।
किसी ने कोई पत्र डाला महाराष्ट्र सरकार के पास, उन्होंने उस यानी जो सार्वजनिक स्थान थे पीने पानी के, वो सारे महाराष्ट्र सरकार ने उसको ओपन कर दिया। तो वैसा ही महार परिषद में भी वो चीज लागू होती है, मगर अछूतों को उसको पता नहीं था। तो अम्बेडकर कहते हैं कि भाई अगर आपको पता नहीं है तो सरकार ने आपके लिए खोल दिया है, आप जाके पानी पिए वहां पे। तो लगभग 10,000 की संख्या में ये लोग पहुंचते हैं और पानी पीने के बाद ये बात फैलाई जाती है कि अछूतों ने महाड़ तालाब को पवित्र कर दिया है। और फिर उसके ऊपर जो एक तरह से हम कहते ना कि जो सवर्ण वर्ग थे, उन्होंने लाठियों से, डंडों से, जो उन हथियार उनके पास थे, उनसे अछूतों के ऊपर आक्रमण किया और बहुत सारे लोगों को घायल किया। हालांकि वो लोग जो घायल हुए थे या फिर दूसरे जो अछूत थे, वो इसका बदला लेने की बात करते हुए अम्बेडकर के पास जाते हैं। अम्बेडकर कहता है कि नहीं, मैं